ना तुम जीते ना हमारे। वह कहावत इस समय फिट बैठेगी। फिर इन पर भी हो रहे, एक महिला है जो उनकी नाई दसन की माँ है, तो उन पर मुकदमे का क्या वो बने? अच्छी थोड़ा ही बात है, महिला का सम्मान तो चाह करना। पर सरकार ने जो अच्छी या पहल करी है कि एक जो जिद्दी रवैया था सरकार का और उन्होंने यह पहल करी, तो बड़ी अच्छी बात है। स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन लंबे समय से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा है, किसानों के कई संगठन उसमें सक्रिय थे और उसके चलते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। तो हमारे साथ किसानों के सबसे बड़े संगठन भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले तो टिकैत साहब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीटीवी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। टिकैत साहब जी, कृषि कानूनों को लेकर लगभग एक साल से आपका आंदोलन चल रहा था और कई सियासी घटनाक्रम भी इसमें घटे, कई उतार चढ़ाव भी आए। आखिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है, तो इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? वैसा तो अगर सच्चे दिल से प्रधानमंत्री जी ने या वो करी बात तो उनका स्वागत है इस उसमें, पर थोड़ा सा बहम ये हो रहा है कि भाई उन्होंने किसी से सुलह मशवरा नहीं कर, एकदम इतना बड़ा निर्णय ले लिया और किसी की सुलह मशवर भी नहीं, तो कहीं किसान छड़े ना जाए। समय एक किसान सीधा साधा तबका है किसान का, हम तो उन्होंने बातचीत होनी चाह, एक बहुत मुद्दे हैं उन पर भी बातचीत होनी चाह। उन्होंने हर मुद्दे पे ये धरना आंदोलन ही चले जी भी ठीक रहे, कुछ बातों का आदान प्रदान हो अच्छा लगे, बढ़िया उसी में रहे। तो आपका मानना है कि जो ये फैसला लिया गया है किसानों की जो मीटिंग करके किसानों किसान संगठन जो है उनके साथ मीटिंग करके जब ये फैसला लेना चाहिए था, ये सरकार के मंत्रियों से सुलह की आप बात कर रहे हैं, मतलब मशवरे की बात कर रहे हैं? नहीं, सरकार में जो मंत्रिमंडल में उनके में है तो उनकी अच्छा लगे, थोड़ा सा एक अंदरूनी कल ऐसी जो हमें महसूस हो रही भारतीय जनता पार्टी में, अंदरूनी कल हो रही कुछ जो थोड़ा सा सुरबुराहट सा सुन रहे जी। तो हम लोग सभी राज्य करके और उन्हें खैर, वैसे तो प्रधानमंत्री बस सीनियर है, सब हाई कमान है। लेकिन किसानों की मांग थी और उसको मान लिया गया, किसानों की मांग थी कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको स्वीकार करते हुए वापसी ले लिया। नहीं, एक तो है वो तो एक आपात बैठक आज संयुक्त मोर्चे की बुलाई वहां से, देखो उसमें क्या निर्णय हुआ होगा वो तो अभी तो नहीं कह सकते, पर वो जो कल प्रधानमंत्री ने घोषणा करी तो इस उसमें एक आपात बैठक बुलाई जो संयुक्त मोर्चे की है, आज शायद 12:30 बजे 1 बजे करीब शुरू हुई है, उसका देखेंगे क्या। तो वैसे संयुक्त मोर्चे को अधिकार है, उनर राइट है, कुछ भी जो कुछ भी बात हो ठीक। हम तो यही कहे बस सरकार ने जो अच्छी या पहल करी है कि एक जो जिद्दी रवैया था सरकार का और उन्होंने यह पहल करी, तो बड़ी अच्छी बात है। हम आप इसका स्वागत करते हैं? नहीं, स्वागत ही है। हमने तो कभी भी प्रधानमंत्री के सम्मान में हमने कभी भी कुछ वो नहीं करी, कोई खामियां नहीं छोड़ दी। प्रधानमंत्री का हमने अपने संबोधन में कहीं भी कहा प्रधानमंत्री का हम सर नहीं झुकाना चाहते, प्रधानमंत्री बहुत बड़े देश के प्रधानमंत्री है, उनका सर ऊंचा चाह रहना, पर उसके साथ साथ किसानों को भी तोहिन ना हो, किसानों का भी मान सम्मान बना रहे। एक कहावत है, ना तुम जीते ना हमारे। वह कहावत इसमें फिट बैठेगी भाई, एक साल के करीब आंदोलन को चलते हो गए, चार पाँच दिन में एक साल हो जाएगा पूरा। किसानों ने अपने धैर्य के परिचय में भी कोई कसर नहीं छोड़ दी, हमारे पर कितने कितने तरह के आरोप लगाए गए, मतलब कितने शब्दों तो नवाजा गया जिनके इतने तो हमारे ध्यान भी नहीं है क्या क्या, पर किसान है, बहुत बड़ा दिल है किसान का, अन्नदाता है इस देश का, उन्होंने कभी भी इसे गंभीरता तो नहीं लिया और सब हंस के ही टाल दिया, कहना चलो ठीक है कोई नहीं। हम फिर भी यही कहे किसान को, किसान सम्मान का भूखा है। आज हमने युद्धेश
किसान के खून पसीने की कमाई थे, मेहनत थे, ये देश आजाद नहीं रबड़ रहा, यहाँ खाद्यान्न की कुछ कमी नहीं है। अगर कुछ किसी चीज की कुछ कमी है तो प्रधानमंत्री जी हमें बतावे, हम रिक्वेस्ट भी नहीं कहते पर रिक्वेस्ट करें, वो हमें बतावे भाई इस चीज की कमी है, इस फसल को आप बो और या इस चीज की कमी है तो इसमें खूब बहुत तरीके है, पानी बचाने की बात है, बिजली बचाने की बात है, ये जो ये अच्छे अच्छे सुझाव है इनमें एक आपस में एक वार्ता साझा करें, बातचीत हो, तो हमें तो यह उम्मीद थी सरकार से, तो इसमें तो किसी भी उसमें मामले में सरकार खरी नहीं उतर रही, तो हमें तो इसी बात की तो परेशानी है। लेकिन टीके साहब, कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन था, इसके अलावा और भी मुद्दे थे, चाहे वो MSP पर गारंटी का हो या इसके अलावा और भी कई मुद्दों को लेकर यह आंदोलन था, लेकिन अभी इस केवल कृषि कानून पर बात हुई है, जो अन्य मुद्दे हैं क्या वो जारी रहेंगे उसके लिए? नहीं, एक तो बताओ जी भाई, सालू का आंदोलन ना घंटे में थोड़े सी मट्टा जा गई, बातचीत होगी, मुकदमे भी है जी। ये थोड़े हम भाई जो इस आंदोलन में किसानों पर मुकदमे हैं उन पर भी बात होगी, सारे मामले सब रफा दफा होंगे, सब एक एक नई तरीके से एक शुरुआत होगी, जो बहुत नुकसान हो लिया, 700-750 करीब हमारे किसान शहीद हो लिए इस आंदोलन में, तो उनकी भी है कुछ बातचीत, उनके लिए भी भाई प्रधानमंत्री 2 मिनट का तो उनके लिए भी बने थी बातचीत, उनके लिए 2 मिनट का तो वो करना चाहो उन्हें भी, और जिस तरह की बात हो कि हम लोग एक शुरुआत होगी, अच्छी पहल हुई, तो इसमें हमने तो संयुक्त मोर्चे को भी कहा भाई एक नज़दीक के ले आओ, ये नहीं हर टाइम का तनाव भी बढ़िया नहीं। पिछले दिनों कैराना में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने कैराना में पलायन का मुद्दा उठाया और एक जनसभा की, उसके बाद आपकी पार्टी के आपके संगठन के प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत जी, जो इस पूरे आंदोलन में सक्रिय हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि 12 दिसंबर को कैराना में एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, तो उसको किस क्या वह मतलब प्रधान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा के बाद जो पलायन का मुद्दा था उसके मद्देनजर कर रहे हैं या क्या मामला है कैराना में ही क्यों? ना है कुछ नहीं, तो कैराना शामली जिले में कोई पंचायत हुई नहीं, तो वहाँ कर लेंगे, ऐसे कुछ नहीं, हमारा मुकाबला थोड़ा ही ऐसा सरकार के साथ में, हम कहीं का मुकाबला करेंगे, वे मुख्यमंत्री है इस प्रदेश के, तो उनका स्वागत है, उन्होंने जो कुछ भी वो कर रहे, पर इसमें कथने में और करने में बहुत फर्क हो रहा, अगर वे हमारे साथ बैठ कर बातचीत करे किसान संगठनों के साथ में, हम बहुत कुछ उन्हें बता सके फ्री में, और इतना अच्छा बता सके जो एक ग्रामीण क्षेत्र में जो दिक्कत है तो उन्हें बताया जाता, इस तरह के फर्जी मुकदमे हो रहे, एक बदले की भावना तक काम करा जा रहा, जो जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी से कहेंगे हम उसते हैं, तो उनके काम हो रहे और के नहीं होते, हम ये चाह ये निष्पक्षता चाह, काम सबके हो, एक बिल्कुल पारदर्शी सरकार चल रहे हो जा भाई, कोई भेदभाव ना हो, तो इस तरह के हमारे तो ऐसे विचार है। अभी और एक महिला है जो उनकी नाई दर्शन की माँ है, तो उन पर मुकदमे का क्या वो बने, अच्छी थोड़ा ही बात है, महिला का सम्मान तो चाह करना, मुकदमा क्या उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया कि भाई ये थोड़ा ये तो बदले की भावना ही है भाई, इस तरह की बात है, कल को किसी की और की सरकार आवे फिर इन पर मुकदमे करें, तो यह परंपरा हटने चाह, फर्जी मुकदमों के हम खिलाफ है, फर्जी मुकदमे नहीं होने चाहते, और किसान है किसान का सम्मान बरकरार रहे, और इन तक मुकदमों तो निजात मिले भाई, जनता को क्यों चारा बनाया जा, हम तो पहले से यही कहते हैं, हम नहीं कहा झूठे मुकदमे नहीं होने चाहते, कानून ऐसा बने जो झूठा मुकदमा कोई करे उस पर कार्रवाई चाह होनी, एक जी भी अच्छा तो लगेगा, कोई जो निर्दोष आदमी जेल में चले जा फिर वो बदले की भावना तक काम करेगा, मार काट जुड़ेगी, कत्ल हो गए, तो इस तरह की बात नहीं चाहती होनी, मुद्दे बहुत है, सरकार के हाथ में बहुत कुछ है, सरकार के बहुत लंबे हाथ है, उन्हें जनता को किस तरह से सुख सुविधा दी जा, हम तो इसी उसमें
ठीक है साहब, एक आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे। विपक्ष कह रहा है कि जो कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया गया है वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव अगले साल हैं, तो उनको लेकर उनको उनके मद्देनजर यह कानून वापस किए गए हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे, इसको लेकर आपकी क्या राय है, क्या विपक्ष सही भाई? मैं तो पता नहीं किस नजरिया से देखे, हम तो इतनी गहराई में नहीं जाते ना, हमें कुछ ज्यादा इसके बारे में पता। किसान है, हम तो किसान तो एक बोड़े भाड़े किसान हो, इन्होंने ज्यादा कोई राजनीति में लेता चले इस बात को, तो वह तो अलग बात है। हमें नहीं कहते इसमें, हम तो ये संगठन है, राजनीतिक संगठन है, कोई संगठन से इस आंदोलन तो कोई फायदे की बात सोचता हुआ तो उनकी भूल है, इन्हें उस पर ना वो करो, वे अपनी वोट मांगो, अपने तालमेल करो, जहाँ से जो है बात अच्छी है बात। हम तो यही कहे भाई, कोई हम इन समय ये संगठन इन समय कोई विश्वास नहीं करता, और किसान हित की बात टिकैत साहब के जे मान्यता चलती आ रही 35 साल का ही संगठन हो लिया, तो हम तो यही है भाई, मेरे तो ना हमें कोई अलग क्षणों की बात है, किसानों की जरूर बात है। इतने किसान हैं, लोगों की आस्था है, करोड़ों लोगों की आस्था है इस संगठन में, तब हमारी बातचीत कह रहे, हमारी आवाज़ उठा रहे, तो हमें तो यही बहुत बड़ी बात है। हम तो यही कहे, हम लोगों की बात उठाते रहे और इनकी जो समस्या है, जायज समस्या, इनका समाधान उत्तर है, बस यही है स्थिति। तो ये हमारे साथ मौजूद थे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी, जिनसे हमने किसानों का जो कृषि कानून को लेकर जो कृषि कानून वापस किए गए हैं, केंद्र सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया है उस पर इन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में अपने विचार रखे। हमारे चैनल से बात करने के लिए टिकैत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ठीक, बहुत